एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। यहीं पे बैग को लगाया जाता है, यहीं पे बैग में सीमेंट भरा जाता है। इस तरह से सीमेंट आएगा यहाँ पे। बहुत ऊंचे हैं ये। कहाँ से चढ़ूँ कहाँ से चढ़ूँ। और वो देखो सुपरवाइजर पैकिंग बंदे तो घास काट रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग, न्यू एंड ए बोरिंग ब्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। आज ईद का दिन है तो हमारा जो पैकिंग प्लांट है वो बंद है, तो अभी थोड़ा सा सुकून मिला। मैं बैठा हुआ हूँ ऑफिस में, अभी मैं आपको हमारा ऑफिस दिखाता हूँ। ये है हमारा ऑफिस। ये एक सिस्टम है कंप्यूटर, यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। और वो जो है बाहर मशीनें लगी है, बेल्ट, अभी मैं चल के दिखाऊंगा आपको। वैसे ये एक छोटा सा ऑफिस है, यहाँ बैठ के हम देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये 4 मंजिला के ऊपर है, ये फैक्ट्री का बाहर का नज़ारा है। सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ, और ये पत्थर लाने वाली लाइमस्टोन वाली गाड़ियाँ। और ये रहा ऑफिस, ऐसा दिखता है। बाहर चलते हैं अभी। बाहर जो है ये ऐसा सीन है अभी, क्या है कि ईद के वजह से सब बंद है, तो लेबर भी नहीं है, तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पे शोर शराबा बहुत होता है। ये बैग्स हैं और ये यहाँ के कन्वेयर बेल्ट्स। एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। और इधर से चलकर ये यहाँ इसका नोज़ल है, यहीं पे बैग को लगाया जाता है, यहीं पे बैग में सीमेंट भरा जाता है। आगे से चल के देखोगे ना तो ये रहे बैग। यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है, एक लेबर, और इसको नोज़ल बोलते हैं हम। ये जो सिस्टम लगा हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बैग को यहाँ लगा दिया जाता है और बहुत ही जल्दी ये पैक होता है। और पैक होने के बाद ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में गिरता है। उसके बाद सीधा चल के इन बेल्ट्स के थ्रू, ये जो बेल्ट है ये बहुत लंबे हैं, अप्रोक्सीमेटली 3-4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे बेल्ट्स हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कौन से डायरेक्शन में भेजना है, ये कंप्यूटर से सेट होता है। और ये तो अभी उठा हुआ है, इसको गिरा देते हैं। इस लाइन से जाएगा सीधा, जिस मतलब हम सेट करते हैं, यहाँ से भी जाता है कभी, वहाँ से भी जाता है। 4 बेल्ट है। और ये देखो पूरी मशीनरी, मशीन ही मशीन है, मशीनों की दुनिया है। इस ज़माने में ना किसी भी काम को फास्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत मशीनों की पड़ती है। अभी वो ज़माना नहीं रहा कि इंसान सब कुछ करता है, सब मशीन ही करता है। और जब ये मशीनें एक्शन में होती है ना, इतनी आवाज़ आती है ना, अभी तो मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, लेकिन जब ये सारा चालू हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आप नहीं सुन पाओगे, माइक लगाकर भी नहीं सुन पाओगे। अभी तो नॉर्मली आप सुन पा रहे होगे। सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। मेरे पीछे देखो, कैमरा में इतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन दिखाने के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से। ये देखो एकदम कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यार, इसका क्या बताएं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है, बहुत ज़्यादा धूल। और यहाँ पर भी जो ये भी है, ये भी सेम काम करता है। वैसे यहाँ पर भी बैग्स में भरे जाते हैं सीमेंट, और यहाँ से निकल के लंबे कतार में जाके गाड़ी में लोड होता है। कुछ दिन पहले तो मैंने वो दिखाया था कि कैसे लोडिंग कर रहे हैं, कितने जल्दी भाग रहे हैं हम। अभी मैं ऊपर आया हूँ तो आपको दिखा पा रहा हूँ। खैर सिस्टम बंद है तो भी दिखाने के लिए काफ़ी है। ये देखो पीछे बेल्ट, बेल्ट का सिस्टम है। आज चालू करेंगे, लेकिन ईद की वजह से जो वर्कर्स हैं ना वो भी छुट्टी पे हैं, अभी आने वाले हैं। और ये देखिए सीमेंट, कितना सीमेंट है यहाँ पे, डस्ट। अभी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, सीढ़ियों से होकर ऊपर चलते हैं। ऊपर भी देखो ये फनल जैसा कुछ है, काफी बड़ा है ये। और यहाँ पर ये सीमेंट बिखरा हुआ, एक्चुअली यहाँ से ना सीमेंट आता है। इस तरह से सीमेंट आएगा यहाँ पे, और नीचे वो जो नोजल लगे हैं वहाँ पे भरता हुआ घूमता रहता है। और ये देखो यहाँ पे मोटर, मोटर ही मोटर है यहाँ पे। और उस साइड में देखो बैग्स, इसको तो देख लिया थोड़ा बहुत, अभी और भी ऊपर चलते हैं सीढ़ी से यहाँ से।
यहाँ पर देखो रोटोपैकर बिन, यहाँ पे शायद स्टोर होता होगा, मुझे भी इतना पूरा आइडिया नहीं है इसके बारे में। और यहाँ पर सीमेंट ही सीमेंट है, सीमेंट। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसका एसेट नंबर, कैपेसिटी 20 मेट्रिक टन। और इधर से देखोगे ना तो इसके अंदर भी, अरे बाप रे, यहाँ तो सीमेंट ही सीमेंट है। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। ये देखो क्या सिस्टम है, जब ये चलती है मशीनें तो इतनी आवाज़ आती है ना, ये देखो। खैर और ऊपर चलते हैं हम, ऊपर जाने के लिए ये रास्ता। और ऊपर पहुंचोगे तो यहाँ पहुंच गए टॉप पे आप, ये एकदम टॉप पे पहुंचे हैं। यहाँ पर देखो ये सेंसर लगा हुआ है। और ऊपर देखोगे तो पूरा बड़े बड़े पाइप्स, यहाँ से गैस निकलता रहता है, ऊपर बाहर छोड़ते हैं इसको। कितने बड़े बड़े घर को बनाने के लिए जो हम सीमेंट खरीदते हैं, हम तो सिर्फ मार्केट जाके खरीदते हैं, लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है। ये माइन से शुरू होता है, मतलब खदानों से। सबसे पहला आपको लाइमस्टोन चाहिए, पत्थर। मैं कभी सोच रहा हूँ कि माइंस में जाके वीडियो एक ब्लॉग बनाऊँगा वहाँ पे। अभी तो मैं पैकिंग प्लांट में हूँ तो अभी तो नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ आप पूरा देखें कि कैसे क्या होता है। खैर ये सब तो आपने देख लिया, अभी वापस चलते हैं नीचे। जिस रास्ते आए उसी रास्ते नीचे चलते हैं। नीचे तो पहुंच गए वापस, जहाँ से निकले थे वहीं पे। अभी एक और रास्ता बचा है, ये यहाँ चलते हैं जहाँ पर सीमेंट स्टोर होता है, क्लिंकर। ये देखो वहाँ से ये वो जो दिख रहा है, वहाँ पर पत्थर को क्रश किया जाता है और फाइनली यहाँ पे जमा होता है आपका सीमेंट। ये काफ़ी बड़ा है, पास में हूँ तो समझ में नहीं आ रहा। ये देखो गाइस, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि नीचे देखोगे ना बहुत ऊपर है, एकदम ऊपर है। और इस साइड में देखो ये बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं, बहुत ऊंचे हैं ये। और ये बिल्डिंग को देखो, और अभी जो है मैं एकदम नीचे पहुंच चुका हूँ गाइस। ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे तारे वायर्स, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता यहाँ पे, फिर भी चलते हैं देखते हैं। ये देखो इसका अंदर कैसा है, पूरा भूल भुलैया जैसा बना हुआ है। ये वही बेल्ट है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, वो बेल्ट है। बैग आएगा यहाँ पे, ऐसे उतरेगा, ये दूसरा बेल्ट है, ये बैग को नीचे ले जाएगा। और ये देखो क्या क्या मोटर लगे हैं ऊपर, पावरफुल मोटर, हैवी मोटर्स चार है। और ये यहाँ पे कंट्रोल पैनल्स, वो बटने जली हुई है। यहाँ पर आज सब कुछ शांत है, शांति है, लेकिन काम शुरू होता है तो यहाँ पे भाग दौड़ चलता रहता है। मैं भी जा रहा हूँ अब ऊपर से नीचे बेल्ट के थ्रू। और बाहर अगर देखोगे ना गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो देखो ट्रक है, यहाँ से पूरा दिख नहीं रहा। मैं और बाहर चलता हूँ, इस तरफ से चलते हैं। इस तरफ से मैं आया, अभी इस तरफ चलते हैं।
यहाँ से जो है बैग नीचे जाता है, वो देखो ऊपर बैग है अटका हुआ, ये ऐसे आएगा घूमता हुआ स्पाइरल होके नीचे बेल्ट में जाएगा, और इधर जो है बाहर जाने का रास्ता है। ये देखो गाड़ियाँ, ये सीमेंट लेने के लिए आई है, लेकिन ईद का दिन है ना तो बंद है, कुछ ही गाड़ियाँ हैं बाहर, पार्किंग में बहुत है, बारिश हुई थी ना कीचड़ ही कीचड़। वो देखो मैं आपको टॉप पे लेकर गया था ना, वो जगह वो था, और वहाँ पे देखो डस्ट निकल रहा है, एकदम हवा भाप जैसा निकल रहा है। अभी चलते हैं नीचे बेल्ट से, कहाँ से चढ़ूँ कहाँ से चढ़ूँ, यहाँ से चढ़ूँ या फिर यहीं से बैठ जाऊँ, ये सही रहेगा। संभल के रखना होगा भाई, स्लिपरी बहुत होता है। पहुंच गया नीचे, और ये है बेल्ट, वो देखो गाड़ी गाड़ी लगेगी वहाँ पे, बैग जाके सीधा गाड़ी में। अभी अभी जो है मैं वहाँ से उतरा, वो स्पाइरल है ना वहाँ से उतरा, बेल्ट से नीचे उतर गया, और ये है यहाँ पे गाड़ियाँ लगती है, इस साइड में भी लगती है, ये देखो सीमेंट के बैग, और वो देखो सुपरवाइजर पैकिंग बंदे तो घास काट रहा है। ये काम करता है कि नहीं, काम करता है। इससे जो है ना हम डस्ट हटाते हैं, मतलब सीमेंट का डस्ट हटाने के लिए एयर प्रेशर से साफ करना पड़ता है। अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे किया होता है, यहाँ से ऑन किया, हवा आना शुरू, और ये रहा हवा, बहुत तेज प्रेशर होता है इसका, कभी कभी ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं खुद भी हवा खाता हूँ। तो फिर गाइस ये था एक वीडियो, एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने अपने पैकिंग प्लान में जाके बनाया था आज, क्योंकि ईद के वजह से बंद था तो बहुत शांत था और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, और आज तो पैकिंग प्लान चालू किया भी नहीं, तो मैंने एक सिंपली एक ब्लॉग बना दिया, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। खैर अभी मैं रूम पर आ चुका हूँ, तो ये ब्लॉग मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और हाँ ईद मुबारक, ईद के वजह से ही ये मतलब आज का दिन मुझे रेस्ट मिला है, तो ईद मुबारक, और ठीक है आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलूँगा मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।